वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण पांच में आप विषय है हिंदी। आप विषय है हिंदी और भाग है आप चौथो भाग है आप चौथो। तो हमें आप आइडियल हिंदी में आ पहला आप पेज नंबर पाठ्यपुस्तक में पूर्ण करूँ बराबर। चैप्टर नंबर टू है आप गिनती आप पाठ्यपुस्तक में पूर्ण करूँ। हवे आपणे स्वपथीमां आइडियल स्वपथीमां भणवाना छीए। तो बाळ मित्रो, तमारे आइडियल स्वपथीमां छे तमारा पेज नंबर 43 मां प्रश्न तमारो पहेलो छे के गिनती 21 से 50 बराबर 1 से 50 तक की गिनती संख्या में शब्दों में लिखनी है। तो पहेलो छे तमारो 1 बराबर अंक में यहां दी गए शब्द अंकों को हमें यहाँ पे जो अंक दिए गए हैं अंकों को हमको अभी शब्द में लिखना है। 1, 2, 3 जो अंक 1 से 50 अंक लिखे हैं उसको हमको शब्द में लिखने हैं। तो चलो बच्चों, मेरे साथ आपको भी लिखना है। तो लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 फिर है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। उसके बाद क्या है बच्चों? उसके बाद है 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 बराबर 37, 38, 39 और 40। उसके बाद है बच्चों 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50। तो ये है हमारे 1 से 50 तक शब्द में गिनती। अब हम करेंगे बच्चों प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 पे हमें लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। जो शब्द में संख्या दी गई है उसको हमको अंक में लिखना है। शब्द में जो है उसको हमको अंक में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? तो देखो बच्चों, 9, 11, 18, 24, 26, 28, 17 और 30 बराबर। उसके बाद है 33, 36, 29, 44, 47, 49, 23 और 41। उसके बाद है 41, 31, 48, 21, 39, 42, 43, 44 और 16 बराबर। ये हुई तुम्हारी आपकी 43 पेज नंबर की गिनती। अब हम आए हैं 44 नंबर पे बराबर। अब हम आए हैं 44 नंबर पे। तो अब हमें 44 पे बराबर आए हैं। तो वहाँ पे हमको आपके बॉक्स में अंक और अंकों को शब्दों में और संख्या में दिखाई दे रहे हैं, वो हमें बॉक्स में ढूंढकर सही जवाब लिखना है, उसका उत्तर लिखना है। पहला है हमारा 41। तो 41 है हमारा, यहाँ पे आपको बॉक्स दिए गए हैं बराबर। तो 41 हमारा है ई पर बराबर, लास्ट में ई पर। तो बॉक्स में हमें ई लकी लिखना है। फिर है 45, 45 है ए पर तो हमें ए लिखना है। 49 है डी पर तो हमें डी लिखना है। 26 है हमारा बी पर तो हमें बी लिखना है। और 48 है सी पर तो हमें बॉक्स में सी लिखना है। अब देखो बच्चों,
अभी है दस, दस का हाफ है दस है ई पर, फिर है छत्तीस, छत्तीस का हाफ है छत्तीस है डी पर, उनतीस, उनतीस का हाफ है उनतीस है बी पर, फिर पच्चीस, पच्चीस का है पच्चीस है सी पर, और उनचालीस का हाफ है उनचालीस है ए पर। ये हो गए हमारे बच्चे, बच्चों बॉक्स में सही जवाब ढूंढकर ए बी सी लिखनी थी जो हमने लिख ली है। अब हम आएंगे प्रश्न नंबर चार पर, वो है एक से 49 तक गिनती को क्रमिक मिलाकर चित्र बनाना है। अब देखो बच्चों, अभी एक कहा है आपका, एक है यहाँ पर बराबर, तो एक से 50 तक, एक से 49, एक से 49 तक की हमको गिनती ढूंढकर हमको ये चित्र पूरा करना है। तो बच्चों आपको पेंसिल अपने अपने कलर के साथ इसे अच्छी तरह से एक से स्टार्ट करना है बराबर। फिर जो गिनती है हमारी 14, 15, 16, 17 इससे करके बराबर 20, 25 इसे करके हमको ये गिनती पूरी करनी है, जिससे हमें क्या मिलेगा, चित्र बनेगा, इससे हमें एक चित्र तैयार मिलेगा बराबर। तो मेरे पास तो मैं इसे कर रही हूँ, आपके पास इलेजर होगा, अच्छी स्केल होगी, इससे आपको ये चित्र पूरा करना है बराबर। तो ये हो गया आपका चित्र पूरा बराबर। तो आपको इस तरह से अच्छी तरह से पेंसिल से आपको एक कछुए का चित्र दिखाई दे रहा है, जो कछुए का चित्र है वो आपको पूरा करना है बराबर। इस तरह से आपको पूरा करना है ये चित्र। अब हम आएंगे दूसरे चित्र पर बराबर। तो दूसरा चित्र है बच्चों आपका, नीचे मछली का चित्र दिखाई दे रहा है, उसमें भी आपको अच्छी तरह से पेंसिल से एक से 49 तो एक का स्टार्ट होता है, तो एक देखो यहाँ पे उसके मुंह के पास से, मछली के मुंह के पास से हमें स्टार्ट करना है बराबर। फिर हमें इस तरह मछली का चित्र पूरा करना है। आपको अच्छी तरह से पेंसिल का उपयोग करके अच्छी तरह से बनानी है मछली बराबर। तो ये बन गई आपकी 49 तक की मछली। इस तरह आपको ये मछली का चित्र भी पूरा करना है। तो बच्चों हमने आज दो पेज पढ़े हैं बराबर, तो हमें ये दो पेज आपको भी, अपने दो पेज है जो हमने आगे पढ़े हैं, इससे पहले हमने पाठ्य पुस्तक में गिनती करी सी पढ़ी थी बराबर, और आज हमने 43 और 44 नंबर का पेज जो आइडियल सोपथी में आपका पूरा हुआ है बराबर। तो आपको ये दो पेज अच्छी तरह से आइडियल बुक में लिखने हैं बराबर। पेज नंबर थे हमारे 43 और 44 का, जो हमने चित्र 44 पे हमने चित्र बनाया जोड़ मिलाई, और 43 पे हमने जो गिनती लिखी है वो आपको अपनी आपकी आइडियल बुक में लिख के पूरी करनी है बराबर। तो अगले पीरियड में हम फिर से मिलेंगे, हमारे अभी ये चैप्टर पूरा बाकी है आइडियल में बराबर। तो आइडियल में हम फिर से मिलेंगे, चैप्टर गिनती, चैप्टर नंबर है हमारा 2 और इस गिनती है वो पूरा करना है। तो अगले पीरियड में हम, हमारे 2 पेज बाकी है वो पूरे करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जो पढ़ा है याद करना, गिनती भी याद करना, हिंदी में कैसे लिखी जाती है वो गिनती आपको अपनी तरह से याद करके ये चित्र भी पूरे करने हैं। अगले दिन में फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।